सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर गुस्सा और माता रानी का रूप। सीरियल सुपर सिस्टर्स में आज माता रानी कहां से प्रकट हो गई है, जो गुंडों को सबक सिखाना चाहती है और बचाना चाहती है मासूम बच्चों की जिंदगी। पहचाना आपने, ये है सिद्धि की सुपर सिस्टर शिवानी, जिन्होंने आज माता रानी का रूप धारण कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शिवानी के पास तो खुद की जादुई शक्ति है, ऐसे में शिवानी को माता रानी का रूप लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तो हम आपको बता दें कि दरअसल कुछ गुंडों ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। वैसे शिवानी उन बच्चों को अपनी जादुई ताकत से भी बचा सकती थी, लेकिन शिवानी अपनी शक्ति का यूज किए बिना ही गुंडों को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती है, जिसकी वजह से शिवानी बन गई है माता रानी। इतना ही नहीं, शिवानी इन गुंडों पर त्रिशूल से वार करती है, जिसे देख कर सारे गुंडे वाकई घबरा जाते हैं और खुद ब खुद शिवानी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। आइए अब बिना वक्त जाया किए चलते हैं शिवानी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि माजरा क्या है। शिवानी जो है आपकी, यानी कि मैं, और मैं आज माता रानी बनी हूँ क्योंकि जादू से जन सेवा का एक कार्य है और जो कि बहुत मुश्किल था कि वो शिवानी बनकर नहीं कर सकती थी, हालांकि जादू है। तो सबक सिखाने के लिए, जो गुनहगार लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए मुझे माता रानी का रूप लेना पड़ा और मुझे बड़ा मजा भी आ रहा था माता रानी बन के। नवरात्रि आने वाले हैं और मैंने पहले सबको दर्शन दे दिया, आप लोगों को भी आशीर्वाद, हर हर। शिवानी, माता रानी का रूप लेकर किसी को दंड देना और सबक सिखाना वाकई एक अच्छा तरीका है, इस पर क्या कहेंगी आप? हाँ, माता रानी का रूप, क्योंकि जब एक इंसान इंसान को भले दंड नहीं दे सकता है, अगर डिपेंड करता है कौन दंड दे रहा है, पर जो भगवान है वो तो गुनहगारों को दंड दे ही सकते हैं। तो मैंने वही रूप अपनाया है जिससे कि उन लोगों को ये भी ना लगे कि किसी इंसान ने किया है ये, और उनको अपना सबक भी मिल जाए और वो दिल से अपने गुनाह कबूल कर लें। शिवानी, ऐसा क्या हो गया है कि आपको गुंडों को सबक सिखाना पड़ रहा है? वो जो गुंडे जो मेरे सामने खड़े हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो गलत रैकेट चलाते हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं, और जो मुझे पता चलता है तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि क्योंकि वो माता रानी के सामने, अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, मतलब हमारी स्टोरी में नवरात्रि चल रहे हैं, और नवरात्रि में वो माता रानी के सामने प्रे कर रहे हैं, तो मैंने वही रूप अपना के उनको सबक सिखाने के लिए, ताकि उन्हें सिर्फ ना कि सिर्फ सजा मिले बल्कि रियलाइज भी हो कि वो लोग कितने गलत थे कि भगवान ने खुद स्वयं आके उनको सबक सिखाया। वैसे शिवानी, आज माता रानी के अवतार में आप काफी प्रिटी लग रही हैं, अपने इस लुक के बारे में भी बता दीजिए। ये मैंने एकदम महात्मा भवानी टाइप साड़ी पहनी है और बड़ी वेरी सिंपल सी साड़ी, थोड़ा क्योंकि शिवानी को शायद सिंपल ही रहना पसंद है, तो माता रानी का गेटअप भी सिंपल किया है। और ये मेरा कमरबंद है, ये चूड़ियां पहनी है, मुकुट है, पर अभी मुकुट आप देखेंगे दूसरे शॉट में कि वो कैसा है, और बाकी झुमके, नेकलेस, साथ में मेरा हैवी मेकअप। वेल शिवानी, हमें आप पर पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ करके आप बच्चों को गुंडों के चंगुल से बचा ही लेंगी। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।